नज़ारा देखिए, वाह क्या शानदार नज़ारा है। और जल्दी मैं इस जंगल में से जाने का प्रोग्राम बना रही हूँ। अभी मैं अपने रूम से देख रही थी, ये बर्ड आ गए, ऐसे राउंड लगा रहे हैं जोर जोर से, मतलब बहुत जल्दी जल्दी, और बूंदें आनी शुरू हो गई हैं। अभी मौसम देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कबूतर ऐसे वॉक कर रहे थे, ये एक्सरसाइज पे निकले हुए, ये देखिए, वाह। इनको देख के मैं भी खड़ी हो गई, मैंने कहा खड़ी हो जाती हूँ भाई, थोड़ी बॉडी में गर्मी आएगी इसलिए आज ये वॉक कर रहे हैं। बहुत ठंड बढ़ गई है, आसपास में स्नोफॉल कहीं हुआ होगा पक्का, और बूंदाबांदी भी हो रही है अभी हल्की हल्की, ये देख हल्की हल्की ना बूंदाबांदी हो रही है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं। आगे दिखाती हूँ, आ रहे हैं बर्ड एक्सरसाइज करते हुए, ये देखिए, वाह। यहीं पे गुड इवनिंग कर देती हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ शानदार नज़ारे देख रहे होंगे। सच में ठंड बढ़ गई है मनाली, वहाँ कश्मीर में तो मैंने सुना था कि जम्मू कश्मीर में बर्फ़ पड़ गई है, स्नोफॉल हो गई है गुलमर्ग में शायद, और यहाँ शीतलहर आ रही है और हमारी छत रिपेयर हो गई। देखिए यही पार्ट हुआ है, एक्चुअली ये लिया है किसी ने ना, तो उन्होंने अपना ये रिपेयर कराया है हमारे लिए, तो ये भी सही है। आज ना लॉस्ट इन स्पेस थर्ड सीरीज आ गई है, दो तो झटक दी थी हमने, एक ही देखी थी, कोई आ गए थे पटेल नगर से मिलने के लिए कामिनी जी, और वो हमारे कह रहे थे कि पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, तो इनके कहने से जो हमने दिखाए थे ना, शर्मा जी ने और मैंने दिखाया था रस माधुरी खा के खाने के लिए राजस्थानी पे थे, फिर इंस्टाग्राम पे मेंशन किया, वो मिलने आए थे आज। इतना अच्छा लगा ना, मैं कैमरा नहीं लेके गई थी, लेकिन मैंने फ़ोन से फिर उनको मतलब वीडियो ले ली थी, वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और अब जाके सीरीज झटकती हूँ थोड़ी सी। मुझे ना स्पेस वगैरह की ऐसी सीरीज देखने में बड़ा मज़ा आता है। आज रेनू के पास जाके चाय बनवाई जाए, मैं अक्सर जाके इससे बोलती हूँ चाय बना ले, मैं भी आ रही हूँ, कूटती है ना अदरक वदरक तो नीचे आवाज़ जाती है, ये चाय बनाओ हमारे लिए। तुम अभी आई हो? हाँ। तो मैं बनाती हूँ, चलो आ जाओ। नहीं चलो मैं बनाती हूँ, अरे आई हूँ तो क्या हुआ, कैमरे के सामने पलट रही हो? नहीं वैसे बनाती है। नहीं, नहीं। ये लोग अच्छे से जान ले कि मैं बहुत अच्छी हूँ, इसलिए मैं हाँ संपूर्ण देशवासियों को मुझे ये बताना है कि विश्व सुंदरी सबसे अच्छी है, प्लीज एक्सेप्ट इट। और तू? मैं इनकी तरह। ओ बिल्कुल वहां पे गया है। ये आगे हमारे लिए चाहिए, हम ऐसी जबरदस्ती बनवा लेते हैं जाके। और क्या, और जीवन क्या? में हंसो खेलो आनंद में रहो और जबरदस्ती दोस्तों से काम करो, पार्टी वार्टी लिया करो, खुद दोस्तों के खून पिया करो, दोस्तों को जान मार के उनसे पार्टी लो। ये आ गया हमारा फेवरेट लॉस्ट इन स्पेस का 3 सीजन। मैं ये इसी के लिए बहुत दिनों से मैं और शर्मा जी भी वेट कर रहे थे, और हमने लिया नहीं हुआ, शिवांगी ने अपना दिया हुआ है। ये खाएंगे, ये रेनू ने बनाया है, ये सूखा चिड़वा ना, प्याज और वो सब पता नहीं क्या सुखा के बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनता है ये, मैं इसकी रेसिपी पूछूंगी फिर बताऊंगी आप सबको। आराम से शांति से कल जाना है बहुत लंबी वॉक पे, कल बहुत लंबी वॉक करके आनी है, मॉर्निंग वॉक, आपको भी दिखाएंगे। ओहो ये हमारा वैभव है, ये बहुत बड़ा फैन है, कह रहा मैम आ तो आंटी बोलो बेटा मुझे। और ये सूर्य प्रकाश भैया है, ठीक है, कौन सी क्लास में है बेटा? फिफ्थ में है, रिकॉर्ड हो रही है, इस पे आएगा चैनल पे। मैं लोगों को दिखा रही हूँ कि हम सब इतने मजे करते हैं, लाइव चैट करते हैं और आप आते नहीं हो। ये अंजू पावा है और ये उनके बच्चे हैं। और आज दिया की छुट्टी है, घूमने जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जाया जाएगा। मैं कह रही हूँ इसको फायदा हो जाएगा, मैं शूटिंग करते चलती हूँ तो ये स्लो चलना पड़ता है। मेरे लिए बहुत अच्छा है।
इसने मेरे को ऊपर वाली जैकेट ज्यादा पहना दी। हाँ, इसने इनर पहना हुआ। देखो क्या होता और वो भी कोलंबिया का पता चलेगा अभी। और सर्दी है नहीं ज्यादा क्योंकि बारिश हुई है, कल बारिश हुई है ना इसलिए। कितने दिनों बाद अपने, मैं भी अपने पुराने रास्ते से जा रही हूँ, नहीं तो मैं उधर से जाती थी। ये बहाना लगा रही है। कह रही है मैं ऐसे रास्ते पे चलती हूँ मेरे यहाँ दर्द होने लगता है। मैंने कहा मेरी सारी पोल खोल देगी सारी दुनिया के सामने। मैंने कहा मुझे भी हो रहा है क्योंकि अभी हमारे यहाँ चढ़ती हुई चढ़ाई आ गई ना एकदम से, इसीलिए बहाने मत लगा, आगे आ जा। यहाँ के ना बहुत सुंदर लगता है, बर्ड्स, लंगूर, बंदर, पूरी जंगल वाली फीलिंग है यहाँ। यहाँ थोड़ा सा बच गया, गर्मी वाली फीलिंग आ रही है तुम्हारी वजह से। मफलर भी लेके आई है ये, मुझे भी गर्मी लग रही है। ये पक्का शर्मा जी की बहन है। एक एक करके खोलूंगी ना मैं। अरे तुम्हारा अच्छा है, जाओ और फिर वापस लेके आओ। है क्या अच्छा है, तब तक मुझे आराम मिल जाएगा। हाँ ये बात है। को मुझे साइड में रास्ता भी बताना पड़ रहा है कि इस साइड से चलो। मौसम बहुत अच्छा है, ये कितना अच्छा कैप्चर हुआ है। ये जो मैं इसकी बातों में आ गई है, आपको याद होगा ये विल वाली टी शर्ट मैंने गोमुख में पहनी थी, इसको ट्रैकिंग करी, और ये बोल रही मुझे तुमको देख के गर्मी सर्दी लग रही है और मैं पागल इसकी बातों में आ गई। लेकिन अब मैं भी उबल रहा हूं। इसने देखो कितनी लेयर पहनी है, ये नंबर टू। हाँ, और नंबर टू के अंदर एक नंबर थ्री है, थ्री भी पहना हुआ है, थ्री ये वाला। ए भगवान, ये देखो जो मैं कहती हूँ ना, स्नो में पहन, पसीने से तर बतर हूँ। कार्टून नहीं ये, और रेनू, रेनू और प्रियंका ये यहाँ बैठ के एक दिन एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैं और शर्मा जी पीछे से आ रहे थे। क्या बोला था उन्होंने, बोला कि यहाँ मत बैठो, यहाँ से तुम्हें बाघ, ऐसे भी तुम्हारा मोटा ताजा मांस खा के उसे बहुत मजा आएगा। यहाँ से बाघ, एक ना भैया है उन्होंने एक दिन पागल बना दिया, भाभी बाघ बैठा है। हाँ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तो मैंने पत्थर भी मारे, मैंने कहा है ही नहीं, इन जंगल के बीच में से जाना हमको। नज़ारा देखिए, वाह क्या शानदार नज़ारा है। और जल्दी मैं इस जंगल में से जाने का प्रोग्राम बना रही हूँ। जल्दी मिलेंगे, जल्दी जंगल में से होते हुए, बहुत दिन हो गए। हमें टाइम लैप्स ले रही थी, पता नहीं ढंग से आया होगा कि नहीं, अब उनको पकड़ने के लिए रनिंग करनी पड़ रही है। कह रही है मुझे गंगोत्री पहुंचा दो, कि केवल 261 बचा है। मैंने इसको बोला था मैं लॉन्ग वॉक पे जाऊँ, पता आज मेरा कहाँ था, कब प्रोग्राम था, तो मैं ओनी बैंड का प्रोग्राम था मेरा। अब हमारी लॉन्ग वॉक तो वहीं तक होती है, और मेरा मोर देन लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट। हाँ, इसके लिए लॉन्गेस्ट हो गया। कह रही है पाप लगेगा, ज्यादा आगे मत जाओ। एक तो ये आज इसका भी मूड नहीं है, नहीं तो ये भी भागी जाती। आधे रास्ते में लेट आई हूं ना। हाँ, लेट आई है, काम सारे छूट जाते हैं। काम की चिंता क्यों करती है, वो मंदिर तक। यहाँ पे ट्रक ही दम, ट्रक भी दम तोड़ देते हैं रेनू, तो मेरे टाइप के है ना मोटे ताजे। आ गया, हाँ ये प्रीति का है, ये आ गया। अरे हम सब आ रहे हैं, फिक्र मत कर, चल। क्या, अरे क्या हुआ? हाँ, अरे मैंने सोचा था ओनी बैंड तक जाऊँ, पर कोई बात नहीं, आज सब साथ थे, 4.5-7 किलोमीटर। मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ, सोचा दिया के लिए आज ब्रेड पकौड़े बना दूँ, बच्चा बाहर का कुछ खाता है तो मैंने कहा घर में ही बना देती हूँ, मौसम भी अच्छा है, इस मौसम में खाने का मजा है। अब इसको
पहले से घोल के रखना पड़ेगा। इसमें मैंने नमक मिर्च और अजवाइन डाल दी, और इनो इनो वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से खूब फेंटेंगे ना तो ये अपने आप ही बढ़िया हो जाएगा। आधे पौने घंटे इसको रख देना। एक भी लम्स जो कांठे होते हैं ना वो नहीं रहनी चाहिए। ये हमारे सुरेंद्र भैया शर्मा जी के फ्रेंड थे, ये राजस्थान से लाए थे और सिर्फ मुझे देने के लिए लाए थे। तो अब ये ख़त्म हो गई है मिर्च, तो मैं यूज़ करती हूँ, देखती हूँ कैसी है। उनका उन्होंने अपना काम शुरू किया, बोल रहे कि इसके पीछे भी शर्मा जी का हाथ है। मैं जॉब से परेशान हो गया था तो शर्मा जी ने बोला कि अपना काम शुरू कर, फिर उन्होंने अपने मसालों का काम शुरू किया। तो अब मेरे उन्होंने दिखाने के लिए भी नहीं बोला, लेकिन कोई वैसी चीज़ होती है तो उसको दिखाना चाहिए कि अपने देश में बन रही हैं। पर फिर एक बात और आती है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले मैं इस्तेमाल करूँगी फिर आपको बोलूँगी कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं तो आप लीजिए। एक तो घूम के आई मॉर्निंग वॉक करके, तो क्योंकि फिर नाम भी मेरा ही लगता है इसलिए। ये मम्मी ने ये सजा रही थी चटनी को, वैसे वो करके इनसे सजी वजी कुछ भी सजेगी। कटोरी किस लिए आई है? हम देसी हैं, ऐसे रखेंगे। ये बोलो सजेगी भी। आ जाओ भाई ब्रेड पकोड़े खाने आ जाओ, गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े। और देखो कितना भरमा बनाया मैंने, ये थोड़ा वैसा हो गया। हमेशा की तरह बनाती हूँ, अब मेरे को मम्मी बनाती है, अब टेस्ट मेरे को करके बताना पड़ेगा। लग तो अच्छा रहा है देखने में। चटनी बड़ी अच्छी है और क्रिस्पी वैसे अच्छे बने। मैं चटनी स्पेशलिस्ट हूँ है ना। वो आबा का ढाबा भाभी जी और भैया आए थे ना, वो चटनी सब्जी की तरह खा के गए थे मेरी चटनी। ये वाली चटनी तो अच्छी बनाती है, ये भी अच्छे बने बाहर जैसे। ये गौरव भाई साहब ने, गौरव मल्होत्रा भाई साहब ने भेजा है दिया के लिए, ये भेजा है दिया के लिए। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू बोल दें अंकल को। थैंक यू अंकल। बोल आज ही बाल भी कटवा के हीरोइन बन के आई है थोड़ी सी। आज मैं वानप्रस्थ आश्रम के इधर से वीडियो को एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बाबा जी के पास जाना है। दिया के बहुत सारे प्रश्न थे तो बाबा जी ने कुछ उसको बोला था, क्योंकि कई बार होता है ना अपना बच्चा घर की मुर्गी दाल बराबर, हम कुछ समझा नहीं पाते, तो बाबा जी के पास लाई हूँ। वो एक बड़े बुज़ुर्ग का जैसे जो होता है ना, जैसे दादी थी पापा, मतलब वो समझाते थे। तो ऐसे ही बाबा जी को मैं बाबा जी इसलिए नहीं बोलती कि वो बाबा मतलब कोई महात्मा है, वैसे बाबा हैं। मैं मेरे को पहली बार मिली थी अपने बाबा, जैसे मेरे हम अपने दादाजी को बाबा बोलते थे तो मुझे वो बाबा जी वैसे लगे थे, तो उनको हम अपने दादाजी को बाबा बोलते थे, इसीलिए मैं उनको बाबा जी बोलती हूँ। और फिटनेस का दौर ऐसे ही चलता रहेगा, और अब शुरू हो गई हमारी ट्रैकिंग वगैरह, और खाने भी अब ब्रेड पकौड़े भी बहुत खा के मज़ा आ गया। उसके बाद खाना नहीं खाया गया, दो ही खाए थे, फिर फ्रूट्स खाए, और अब बाबा जी के आके यहाँ पर भोजन करेंगे। और यही है बस। और ये तो मैं खुशकिस्मती समझती हूँ कि दिया मुझसे शेयर कर रही है बातें, क्योंकि बच्चे नहीं कर पाते कहीं, और आप लोग तो जैसे मेरे से शेयर कर लेते हैं अपना दुखड़ा, अपने बच्चे का क्या करें। जब वो बच्चा उसने जब शेयर किया तो मैं भी हिल गई, तो मैं बाबा जी से आज उसके जवाब लेने आ रही हूँ। और आपको भी बताऊँगी दूसरे चैनल पर कुछ दिन से सतेंद्र एंड साक्षी पे, भाई वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वॉक भी हो, उतनी लंबी हो नहीं पाई मेरी, आपको पता है आधे उतरे तो जाते ही हैं, वहाँ से वापस आना पड़ा मुझे। मैं तो लॉन्ग वॉक के लिए जा रही थी, कोई नहीं किस दिन अकेली जाके करके दिखाऊंगी। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल नीचे है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी हम दिन का कुछ ना कुछ दिखाते ही रहते हैं। तो बस यही है, हर हर गंगे हर हर महादेव।